और इसी बीच केदारनाथ से बड़ी खबर के मैं लौटूंगी आपके पास। केदारनाथ में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है, तीसरे नंबर पर पहुंच गई है कांग्रेस। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, निर्दलीय उम्मीदवार दूसरे नंबर पर आ गए हैं और केदारनाथ में बहुत बड़ा उलटफेर। हालांकि यहाँ पर आशा नौटियाल और मनोज रावत के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। ये एक बड़ा उलटफेर केदारनाथ में, उत्तराखंड की विधानसभा सीट केदारनाथ में देखने को मिला है, जहां पर बड़ा उलटफेर हुआ है। और यहां पर जो सीधा मुकाबला देखा जा रहा था वो आशा नौटियाल, जो बीजेपी की उम्मीदवार है, और कांग्रेस के उम्मीदवार मनोज रावत के बीच था, लेकिन बड़ा उलटफेर होते हुए निर्दलीय उम्मीदवार आगे हो गए हैं और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मनोज रावत तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। सत्येंद्र बर्तवाल जुड़ गए हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। सत्येंद्र, बड़ा उलटफेर यहां पर हो गया है और कांग्रेस पार्टी जो टक्कर में मानी जा रही थी, मनोज रावत जो टक्कर के माने जा रहे थे, वो तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। कौन सा निर्दलीय उम्मीदवार है जो अब दूसरे नंबर पर पहुंच गया है? बिल्कुल सीनम, क्योंकि ये बड़ा एक झटका हमें कांग्रेस को कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस जो बीजेपी से लगातार टक्कर की बात कर रही थी, लेकिन पहला राउंड जैसे ही केदारनाथ विधानसभा चुनाव का जो पहला राउंड अभी सामने आया, उसमें एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। त्रिभुवन चौहान जो निर्दलीय उम्मीदवार थे, उन्हें वो सेकेंड रनर पे देख रहे हैं और उन्होंने पहले ही राउंड में करीब 1185 वोट उनको मिले हैं, जबकि आशा नौटियाल जो बीजेपी की उम्मीदवार है, उनको 1398 वोट मिले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस के लिए, एक बार फिर चुनौती भरा देखने को मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस को मात्र 915 वोट, जो कि तीसरे नंबर पे कांग्रेस को मिले हैं मनोज रावत को, जबकि ये पूरा सिनेरियो अगर देखा जा रहा था जो केदारनाथ विधानसभा का जो उपचुनाव का, इसमें यह माना जा रहा था कि केदारनाथ में बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है, लेकिन पहले ही राउंड में जो निर्दलीय उम्मीदवार त्रिभुवन चौहान का ने जिस तरीके से बढ़त बनाई है, वो कहीं ना कहीं विचारणीय और सोचनीय हो सकती है, जो अभी आगे के आंकड़े आएंगे। जी बिल्कुल, टक्कर मानी जा रही थी मनोज रावत के साथ, लेकिन मनोज रावत पहुंच गए हैं तीसरे नंबर पर। करहल लिए चलते हैं अपने दर्शकों को, अलाउद्दीन हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। करहल में फूफा भतीजे की जो लड़ाई है, यहां पर माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के तेज प्रताप यादव फायदे में है, क्या है लेटेस्ट अपडेट बताइए अलाउद्दीन। और देखिए, बैलेट पेपर में शुरुआती रुझानों में तेज प्रताप आगे थे, अब जो ईवीएम की गिनती है वो शुरू हो गई है। कुल 14 टेबल थे जिसमें 10 टेबलों की डिटेल्स आ गई हैं। 850 वोटों से आगे चल रहे हैं तेज प्रताप यादव, और मेरे स्थानीय सहयोगी मेरे साथ है, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे डिटेल ले लेते हैं। देवेंद्र, क्या डिटेल्स हैं अब तक जो ईवीएम की मतगणना हुई है? बिल्कुल, जिस तरीके से जो मतगणना शुरू हुई है, अभी 10 टेबल हैं, टेबलों की गिनती हुई है, अभी 4 टेबलों की गिनती और होना बाकी है। उसमें 850 वोटों से समाजवादी पार्टी के तेज प्रताप यादव अभी आगे चल रहे हैं। हालांकि ये शुरुआती दौर है, अभी देखना चूंकि बाकी है, लगभग 12 बजे के लगभग ये साफ हो जाएगा कि तस्वीर क्या निकल के आती है, क्योंकि अभी पहला राउंड है। पहले राउंड के बाद लगभग तीन से चार राउंड जब क्लियर हो जाएंगे तो लगभग सा पता लगने लगेगा। हालांकि जो काम है अभी थोड़ा स्लो चल रहा है, क्योंकि शुरुआती दौर में तमाम चीजें देखी जाती हैं, तो उनको देखने की वजह से जो कर्मचारी हैं वो देख रहे हैं, बार बार कहें कोई गड़बड़ी तो नहीं है, तो जो सील पैक है उसको लेके कई बार चेकिंग करने के बाद में तब वो मशीनें खुल रही हैं। तो ऐसे में समय जरूर लग रहा है, लेकिन जो है पहला राउंड अभी थोड़ी ही देर में खत्म हो जाएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। बिल्कुल, क्योंकि 14 टेबल हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, 10 टेबल की जानकारी आई है, 850 वोट हैं। दोनों पक्षों को संतुष्ट करने के बाद ही यहां पर तमाम रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं, लेकिन ये मान के चलें कि सबसे ज्यादा राउंड में से एक है करहल, जहां पर मतगणना हो रही है। फिलहाल आप मेरे पीछे ठीक से देखें तो यहां पर मतगणना का जो केंद्र है वहां पर एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, सुरक्षा व्यवस्था इसलिए भी यहां दुरुस्त की गई है क्योंकि ये इलाका संवेदनशील है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई है, तो ऐसे में ठीक है रही है कि जो भी आप बने रहिएगा हमारे साथ, लेटेस्ट अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर फूलपुर से, जहां पर एसपी के प्रत्याशी आगे हो गए हैं, 535 वोट से आगे हो गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त फूलपुर से हम आपको दे रहे हैं, एसपी के प्रत्याशी 535 वोट से आगे हो गए हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, यहां पर समाजवादी पार्टी को सीधे तौर पर फायदा मिलता दिख रहा है। गाजियाबाद आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी अमित राणा वहां से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं।
गाजियाबाद जो बीजेपी की गढ़ मानी जाती है सीट, क्या अभी यहां का लेटेस्ट अपडेट है? बीजेपी के उम्मीदवार आगे है पीछे है, जरा लेटेस्ट अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा गाजियाबाद विधानसभा 56 कहलाती है, शहर सदर सीट ये कहलाती है। और आपको बताना चाहूंगा कि पहले ही राउंड में संजीव शर्मा जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं 3065 वोट से आगे चल रहे हैं, जबकि दूसरे नंबर पर जो सपा के प्रत्याशी हैं वो चल रहे हैं। लेकिन बड़ी बात ये निकल कर आई है कि पहले ही राउंड में लगभग 3065 ये जुड़ के काम कहाँ कर रहे हैं, पीडीए चला रहे हैं। हम कहते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास, वो लोग करते हैं पीडीए। हम लोग जाति पात की कभी बात ही नहीं करते, हम तो सबका साथ करके जा रहे हैं। आज अगर सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है तो सभी को मिल रहा है, चाहे कोई जाति हो चाहे कोई धर्म हो। जब मोदी जी ने और योगी जी ने आज तक कोई डिवाइड की बात नहीं की, ये लोग करते हैं तो मुँह की खाएंगे। परसेंटेज कम गया है, क्या लगता है? वो गाजियाबाद किसे लगता हुआ, नोएडा दिल्ली फरीदाबाद गुड़गांव सब खुले हुए थे, लोग प्राइवेट जॉब में बहुत सारे लोग हैं। तो हमेशा से एक परिपाटी रही है कि गाजियाबाद में जब भी उपचुनाव हुए तो वोटिंग परसेंटेज। और इसी बीच मंजुआ से एक बड़ा अपडेट मिल रहा है, बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी आगे हो गए हैं। सुचिस्मिता मौर्य 2100 वोट से आगे चल रही हैं। उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए। उपेंद्र, पल पल आंकड़े बदल रखे हैं, पल पल अपडेट जो आप दे रहे हैं उसमें सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है। पहले थोड़ी देर पहले आपने बताया 1400 वोट से आगे और अब 2100 वोट से आगे हो गई है सुचिस्मिता मौर्य। बिल्कुल, देखिए न्यूज 18 ने काफी देर पहले ही 10 मिनट पहले ही बता दिया था कि जो अब लीड है वो 2000 के ऊपर की है। तो अब जो लीड निर्वाचन आयोग के आंकड़ों में है उसने भी न्यूज 18 के आंकड़ों पर मोहर लगाई है और 2100 वोटों से फिलहाल सुचिस्मिता मौर्य जो भाजपा की प्रत्याशी हैं वो आगे हो गई है। तो यानी कि जो लीड है वो बढ़ रही है। अभी 14 टेबल पर गिनती हो रही है, एक टेबल रिजर्व है, तो ऐसे में अभी आंकड़े तेजी से आएंगे चूंकि अभी करीबन 11 टेबल के आंकड़े आ चुके हैं, तो ये 3 टेबल के आंकड़े भी कुछ देर में आ जाएंगे। तो उसके बाद बताया जा रहा है कि जो फासला है या तो फासला कम से कम 600 वोटों का, यानी कि एक टेबल से जब कभी गिनती, देखिए इसको आंकड़े को समझिए कि जब एक टेबल की गिनती आती है तो जो फर्क होता है वो सीधे सीधे 250 से 300 वोटों का, तो सीधे सीधे जब दो वोटों की गिनती वहां जुड़ती है तो 500 से 600 का फर्क आता है। वही मुकाबला यहां पर नजर आया तो वो डॉक्टर ज्योति बिंद और बसपा के भी दीपक तिवारी का एक रोल बताया जा रहा है कि उनका भी महत्वपूर्ण रोल है इन चुनावों में, उनको लेकर कोई जानकारी मिली हो कि उनमें से कौन आगे है? विश्वास है कि अभी मतगणना अभी शुरुआती दौर है, 9 की 9 सीटें जीतेंगे हम लोग। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग महाराष्ट्र जीत रहे हैं, झारखंड जीत रहे हैं, पूरे देश में जहां उपचुनाव हुए हैं वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को सफलता प्राप्त हो रही है। देश की जनता मोदी जी के विकास का जो डबल इंजन का में ही भरोसा जता रही है, लोगों को भरोसा है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही देश और प्रदेश का विकास हो सकता है, इसलिए ये बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रही है। सर, विपक्ष समाजवादी पार्टी के लगातार आरोप लगा रहे थे हो गए, जैसे जैसे रुझान आ रहे हैं तो रुझान के साथ साथ अब रिएक्शन भी आना शुरू हो गए हैं। मनीष शुक्ला जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। सौरभ दुबे जी से अगला सवाल मेरा रहेगा, राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ। सौरभ जी, देखा जाता है कि शुरुआत में जो रुझान होते हैं कई बार अंत तक वही जाते हैं और कई बार बड़ा उलटफेर भी हो जाता है, आज की स्थिति को देखकर आप क्या समझ पा रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, मेरा मानना है कि ये जो 9 सीटें हैं इसमें कुछ 3 से 4 सीटें ऐसी हैं जो टैली एक बार फिर बदल गई है। सौरभ जी, आप देखिए 5 सीट पर बीजेपी और 4 पर सपा आगे हो गई है, एकदम बदल गया है यहाँ पर। फूलपुर वाली जो सीट थी, फूलपुर वाली सीट पे भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही थी, अभी वो समाजवादी पार्टी उसमें आगे चल रही है। तो ये जो फूलपुर की सीट है, जो सीसामऊ की सीट है और कुछ 2 सीटें और हैं जहां पर मुझे लगता है कि ये लगभग 3 बजे तक ही आंकड़ा साफ हो पाएगा कि कौन सी पार्टी वास्तव में जो है वो आगे है। यानी कि जहां पर कांटे की टक्कर है वहां अभी स्थिति क्लियर नहीं होगी। बिल्कुल अभी स्थिति वहां पर क्लियर नहीं होगी। और जहां पर स्थिति आपको क्लियर दिख रही है जैसे मजुआ है, हालांकि मजुआ भी मैं मान के चलता हूं कि मजुआ में थोड़ी स्थिति रहेगी वहां पर जो है, लेकिन मजुआ फिर भी मुझे लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी, चूंकि 2 बार से लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं और मजुआ एक ऐसी करिश्माई सीट रही है कि अगर वहां का कोई विधायक बनता है तो सीधा सीधा भदोही का सांसद बन जाता है, क्योंकि इसके पहले रमेश बिंद थे वहां से विधायक, वो सीधा भदोही के सांसद बन गए। उसके बाद जो है दूसरे अभी बिंद
साहब आए, विनोद बिंद जी, वो भी जो है अभी भदोही से सांसद हैं। तो अब ये सुष्मिता मौर्य जी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की ये सीट है और भारतीय जनता पार्टी इनको जो है भारी मतों से जिताएगी। जो कार्यकर्ता हैं, जो जनता जिन्होंने वोट किया है, यहाँ पर जब आंकड़े निकल के आएंगे तो बड़ी अंतर से जीत होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात की ये देखिए, जो फूलपुर वाली सीट है जिसपे अभी समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, मुझे लगता है कि चूंकि फूलपुर में काफ़ी मेहनत की है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, बड़े वहाँ पर पूरे जो है काफ़ी मंत्री भी गए थे वहाँ पर, और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो विकास की बात कही जा रही थी, कार्यकर्ता कह रहे थे, उसका लाभ मुझे लगता है फूलपुर में निश्चित रूप से अभी सपा दिखा रही आगे, लेकिन ये समाजवादी पार्टी का आंकड़ा पीछे जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा आगे आएगा। ठीक है, फूलपुर को लेकर ही हमारे सहयोगी सर्वेश दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसी को लेकर सौरभ जी उनसे अपडेट ले लेते हैं कि अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है। पहले यहाँ पर बीजेपी आगे चल रही थी, अब एकदम से पीछे हो गई है बीजेपी, यानी कि बीजेपी के उम्मीदवार दीपक पटेल जो आगे चल रहे थे, अब उनको थोड़ा नुकसान होता दिख रहा है। अभी का क्या लेटेस्ट अपडेट है सर्वेश, जरा बताइए। चार राउंड की मतगणना में 335 वोटों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीकी आगे चल रहे हैं, लेकिन मौजूदा समय में पांच राउंड की मतगणना हो गई है और पांच राउंड की मतगणना के बाद ईवीएम मशीनें सील करने के लिए बाहर आ गई हैं। आप देख सकते हैं कि पांचवें राउंड की ईवीएम मशीनों को अब सील किया जा रहा है। चार राउंड की गिनती पूरी हो गई है जिसके आंकड़े मीडिया को बताए जा चुके हैं। 335 वोटों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। आज सुबह जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो शुरुआती रुझान जो आए उसमें बीजेपी प्रत्याशी दीपक पटेल आगे चल रहे थे, लेकिन उसके बाद तीसरे राउंड के बाद चौथे राउंड में ही समाजवादी पार्टी आगे शुरू हो गई थी और चौथे राउंड में ही 335 वोटों से समाजवादी पार्टी आगे चल रही, यानी कि इस सीट पर बड़ा उलटफेर हो सकता है। जैसा कि पहले ही कहा जा रहा था कि बड़ा कड़ा और नजदीकी मुकाबला इस सीट पर हो सकता है, तो जिस तरह की यहां पर बातें कही गई थी, खुद यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आए थे, उन्होंने दो बार यहां पर बीजेपी के पक्ष में प्रचार किया था, तमाम विकास की योजनाओं के बारे में यहां पर जानकारी दी गई थी, लेकिन अखिलेश यादव जब यहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कि ये चुनाव योगी बनाम प्रतियोगी है, उसका भी असर यहां पर देखा जा रहा है कि जो बेरोजगारी की समस्या है और जिन तमाम मुद्दों को यहां पर समाजवादी पार्टी ने जो है उठाया था, लग रहा है कि अब यहां पर कड़ा मुकाबला है। हालांकि कुल 32 राउंड में ये मतगणना होनी है, अभी बहुत यहां पर राउंड बचे हुए हैं, सिर्फ पांच राउंड की मतगणना अभी पूरी हुई, तो ये कहा जा सकता है कि पांच राउंड में अभी ये शुरुआती रुझान है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर बढ़त बना ली है, तो ऐसे में ये देखना होगा कि ये अगर गैप बढ़ता जाएगा तो मुश्किल जरूर हो सकती है, लेकिन अभी ये कहा जा सकता है कि अगर दूसरे किसी विधानसभा क्षेत्र में दूसरे इलाके की कहीं की ईवीएम मशीनें खुलेंगी तो हो सकता है उलटफेर भी हो सकता है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। मनीष जी, शुरुआत में हमने देखा कि 7-2 भी आंकड़ा हुआ, 7 सीटें भी ऐसी हुई जब बीजेपी के उम्मीदवार आगे चले, लेकिन अभी की बात करें तो अभी फिर से आंकड़ा बदल गया है, कभी 5-4 कभी 6-3 इस तरह से हो रहा है, क्या थोड़ा सा मन में हलचल हो रही है, क्या हो रहा है? देखिए, शुरुआती आंकड़े हैं, अब शीशामऊ में भारतीय जनता पार्टी आगे हो गई है, 6-3 का आंकड़ा फिर बरकरार है और हमको लगता है 7 सीटों पे हम लोग आसानी से विजय दर्ज। लेकिन सर, पहले तो 9 की 9 सीटें कह रही थी बीजेपी। नहीं देखिए, आप स्वयं देखेंगी कि जो सबसे कठिन सीटें थी वहां भी भारतीय जनता पार्टी जो लड़ाई लड़ रही है वहां 400-500 वोटों के ही अंतर से पीछे है, जहां हम पीछे हैं, और अभी आपके रिपोर्टर ने बताया कि 4 या 5 राउंड। अच्छा मनीष जी, किन किन सीटों पर कांटे की टक्कर मानते हैं और मानते हैं कि उन पर फैसला 3 बजे तक ही होगा और शुरुआत में स्थिति क्लियर नहीं हो पाएगी? मनीष जी, नहीं देखिए, आप खुद अगर आप टैली को देखेंगी तो तमाम 4 सीटें तो ऐसी है जहां 5 सीटें तो ऐसी है जहां लगातार हम लोग आगे हैं। कुल मिला के 4 सीटों पे, यानी अभी फूलपुर में हम लोग पीछे हुए और सीसामऊ में आगे हो गए, तो यही 2-3-4 सीटें हैं जहां आगे पीछे काउंटिंग में हम लोग आगे पीछे चल रहे हैं, लेकिन जो हम लोग के पास रिपोर्ट है उसमें हम लोग 9 की 9 सीटों पर लड़ाई में है, और जो टफ सीटें थी, यानी टफ सीटें उसको हम लोग मानते हैं जहां अभी 2022 में हम चुनाव हार गए थे और उसको मीरापुर से भी मिथिलेश पाल आगे हो गए हैं और अब 7 सीटें हो गई हैं जिस पर बीजेपी आगे हो गई है, कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, झारखंड, चारों स्टेट में इस समय भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की लहर चल रही है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में, और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चली है उसके पक्ष में
जनता खड़ी हुई है, चूंकि हमने विकास का वादा किया था उसको पूरा किया है। वहीं उत्तर प्रदेश में जो हमारी विरोधी पार्टी है, मनीष जी इस बार तो सपा ये कहती नजर आई कि विकास का मुद्दा ही नहीं नजर आया और तरह तरह की बयानबाजियां की गई, चाहे वो सीएम की बात हो चाहे अन्य बीजेपी के नेताओं की बात हो, और उसी पर समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार किया। देखिए वार्ता के पिछले दौर में इस बात को मैंने एलोबरेट किया था कि 40 मिनट के भाषण में अगर 45 मिनट के भाषण में अगर हम 40 मिनट अपने रिपोर्ट कार्ड को बताते हैं तो साथ साथ हमारा दायित्व है कि जो सामाजिक खतरे हैं, जिस तरीके से समाज को विभक्त करने का काम समाजवादी पार्टी कर रही थी, पीडीए का झुंझुना पकड़ा कर उसमें से पीडी को डिलीट करके केवल मुस्लिम परस्ती पे उतारू थी, बलात्कार जैसी घटना पे अखिलेश यादव के बयान तो शर्मसार करने वाले थे, और निश्चित रूप से जनता का जो मन है उस पर ये सब चीजें असर करती है और उसी का रिफ्लेक्शन है जो टैली आपके सामने चल रही है, पूरे देश में जो चल रही है टैली उसका रिफ्लेक्शन है कि जनता कम से कम अपराधी माफिया और बलात्कारी के साथ खड़े होने वाले राजनीतिक दलों को बर्दाश्त नहीं करती। लोकसभा की सीटों में, लोकसभा के चुनाव में हमारी कुछ सीटें कम क्या हुई, समाजवादी पार्टी के लोग और उनके जो पोषित लोग थे वो बाहर आके जिस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे सबको पता है, और उसमें गिरफ्तारियां हुई हैं। जाली नोटों के धंधे में इनके राष्ट्रीय पदाधिकारी गिरफ्तार हुए कुशीनगर से, मुहित खान इनका नगर अध्यक्ष था, नवाब सिंह यादव इनका वरिष्ठ नेता था, अभी जो करहल में जो दलित के बेटी मारी गई है उसमें भी प्रशांत यादव जो हत्यारा था वो भी समाजवादी पार्टी का था। तो देखिए जनता सबको वाच करती है, उसको विकास चाहिए, उसको दंगा रहित प्रदेश चाहिए, उसको अमन चाहिए, उसको शांति चाहिए, उसको जो बुनियादी सुविधाएं हैं उस सहजता से उपलब्ध हो, उसको ऐसा ऐसी सरकार चाहिए। यानी कि शांति और कानून व्यवस्था के नाम पर ही ये चुनाव लड़ा गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जैसा कि आप कह रहे हैं कि अपराध नहीं चाहिए, जनता को शांति चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पहले के मुकाबले बेहतर हुई है नो डाउट, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये मुद्दा भी चुनाव में उठाया गया, लेकिन दूसरी तरफ जो बयानबाजियां की गई उन्हें समाजवादी पार्टी की ओर से नेगेटिविटी बताया गया।